गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ सब्जेक्ट इंग्लिश। ओपन योर टेक्स्ट बुक, लेसन नंबर 7, द टून टून टाउन म्यूजिशियन। ओके, लेसन नंबर 7, सेम टू से हमारे लेसन नंबर 7 to 12 है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने 5 स्टोरी आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, जिसमें था ओल्ड डॉग एंड ओल्ड डोंकी, जो बने उसके मास्टर्स ने उसको घर से निकाल दिया था और वो दोनों टून टून टाउन जा रहे थे। ओके, नाउ टुडेज फॉर एक्सप्लेन एक्टिविटी 4 part 2। ऑन द वे सो एन ओल्ड टैबी कैट, शी वॉज थीन एंड हैड स्ट्रिप्स ऑन हर फर। स्ट्रिप्स मीन्स लाइन्स। वो दोनों जा रहे थे, डोंकी एंड डॉग, तो वहाँ पे उसको एक टैबी कैट दिखी। टैबी कैट थी, वो बहुत थीन थी एंड स्ट्रिप्स लाइन्स थी लाइन की उसके ऊपर। यहाँ देखो, यह पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, वैसे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आस्क द डोंकी एंड द ओल्ड डॉग। ओ, जहाँ पे वहाँ पे टैबी कैट थी, वहाँ पे उसको डोंकी एंड जो ओल्ड डॉग था वो उसको पूछ रहा था। आई एम टू ओल्ड टू चेस माइस एंड माई मास्टर हैज़ थ्रोन मी आउट ऑफ द हाउस। वो बोल रही थी कि मैं ओल्ड हो चुकी हूँ, इसलिए मेरे मास्टर्स ने मुझे घर से निकाल दिया। सेड द टैबी कैट सैडली एंड द सिंग। फिर जो टैबी कैट थी वो भी बहुत सैड हो गई एंड वो सॉन्ग गाने लगी। आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी, आई हैव नो होम और हाउस टू गो। वॉट विल आई डू, आई डू नॉट नो। वो वापस बोल रही थी कि आप देख रहे हो कि मैं बहुत ओल्ड चुकी हूँ, मेरी कोई केयर करने वाला नहीं है, मेरे पास कोई घर भी नहीं है, मैं क्या करूं? ओके, नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज। व्हाई डोंट यू कम विथ अस टू टून टून टाउन एंड बिकम अ म्यूजिशियन। तो जो डोंकी एंड जो ओल्ड डॉग था वो उसे बोल रहे थे, आप हमारे साथ चलो, हम वहाँ पे टून टून टाउन जा रहे थे म्यूजिशियन के लिए। सेड द डोंकी, डोंकी फिर बोल रहा था थैंक यू, उसने क्या बोला, थैंक यू। सेड द कैट एंड जॉइन देम। फिर कैट ने उसको उसको डोंकी एंड कैट को जॉइन डॉग को जॉइन किया। सो दे वॉकड अलोंग टुगेदर। फिर वो तीनों जा रहे थे। अ लिटल लेटर दे सॉ एन ओल्ड रोस्टर ऑन द रोड। रोस्टर, रोस्टर मतलब क्या है इसमें, दिस स्टोरी ऑफ द रोस्टर मीन्स कॉक। ओके, ऑन द रोड। वॉट आर यू, माई मास्टर हैज़ थ्रोन मी आउट एज ओवर स्लीप एंड कैन नॉट गिव अप इन द मॉर्निंग। फिर वापस रोस्टर ने भी बोला, वॉट आर यू डूइंग हियर अलोन माई फ्रेंड। फिर वो तीनों जा रहे थे तो उसने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वाई आर यू नॉट इन ऑन योर फार्म, आप अपने फार्म पे क्यों नहीं हो, आस्क द डोंकी। डोंकी ने उसको ऐसा पूछा, माई मास्टर हैज थ्रोन मी आउट एज आई स्लीप ओवर स्लीप एंड कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। मेरे मास्टर्स ने बोला है आप यहाँ से जाओ। सेड द रोस्टर, ऐसा किसने बोला, रोस्टर यानी कॉक ने। एंड ही सेंग, वापस वो सॉन्ग गाने लगे। आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी, आई हैव नो होम और हाउस टू गो। वॉट विल आई डू, आई डू नॉट नो। जैसे आगे मैं सभी था कि मैं बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, मेरी कोई केयर करने वाला नहीं है और मेरे पास कोई हाउस भी नहीं है। कम एंड सिंग विथ अस, फिर बोल रहा है कम, आप हमारे साथ चलो। वी आर गोइंग टू टून टून टाउन टू बिकम अ म्यूजिशियन। हम लोग टून टून टाउन जा रहे हैं, सेड द डोंकी, डोंकी ने ऐसा बोला। आई वुड लव टू, सेड द रोस्टर एंड सो ऑफ दे वेंट टूगेदर। वो सभी एक साथ वहाँ पे जा रहे थे।
Okay, now open your next page, page number 63. Soon it become dark. Dark means night. They entered a forest and suddenly saw a house. वो जा रहे थे वहाँ पे एक फॉरेस्ट था उसमें एक हाउस था. दे वेंट नियर अ पिपेट इनसाइट. दे सॉ फोर रॉबर्स सिटिंग बाय द फायर एंड ईटिंग नाइस हॉट फूड. पिप्ड पिप्ड यानी टू लुक. वो दो वहाँ पे जो हाउस था वहाँ पे फोर रॉबर्स थे जो वहाँ पे बैठे थे और खा रहे थे. लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान. और वो प्लान सोच रहे थे. सेड द डोंकी. डोंकी वो ऐसा बोल रहा है कि हम कुछ प्लान सोचे. सो टूगेदर दे थॉट ऑफ अ प्लान. फिर उसने प्लान बनाया. देन दे गॉट इन टू पोजिशन. पोजिशन यानी प्लेस. एंड द डोंकी काउंटेड 1, 2, 3. नाउ उसने प्लान सोचा कि मैं काउंट करूँ तो आप हमारा प्लान एक्सक्यूट करो. नाउ दे ऑल सेंग एज लाउड एज दे दे कुड. द डोंकी फिर उसने बोला कि मैं 1, 2, 3 काउंट करूँ तो हम लाउड से सिंग यानी कि सॉन्ग गाएंगे. द डोंकी ब्रेड. द डॉग बार्कड. द कैट मूव्ड एंड द रोस्टर क्रोड. वो दोनों वो सभी लाउडली जोर जोर से ऐसे गाने लगे. देन दे रश्ड इन टू द हाउस. क्रश बूम. वन रॉबर सो द कैट्स आईज एंड येल्ड. येल यानी टू शूट लाउडली. वो लाउडली कर रहे थे ना. रन देर आर टू बॉल्स ऑफ फायर. द डॉग बीट अ रॉबर एंड ही येल्ड. रन देर इज समवन विथ अ नाइफ. The donkey kicked a robber and he yelled, "Run there is ghost who has thrown me over." The rooster crowed, cock a, and the fourth robber said, "Run, someone is saying, I will show you what I will do." And so saying, all four robbers ran shouting out of the house. फिर वो दोनों ने ऐसा लाउडली सभी लोग गा रहे थे तो उन सब ने प्लान किया था ना. तो वो सभी कितने रॉबर्स थे? फोर रॉबर्स थे. फिर वहाँ पर द डोंकी किक्ड द रॉबर है ना. डोंकी ने फिर किक किया. एंड समवन इज सेइंग आई विल शो यू व्हाट आई विल डू. एंड सो सेइंग ऑल फोर रॉबर्स रन शाउटिंग ऑफ द हाउस. फिर वापस वो फोर रॉबर्स थे वो शाउटिंग करने लगे. आई स्लीप बाय द फायर. पुट द कैट. आई विल स्लीप अंडर द टेबल. फिर वो सभी वहाँ से चल गए. एंड फिर वो अलग अलग जगह पे सभी सो रहे थे. तो क्या था? आई स्लीप बाय द फायर. वो फायर के पास एक सो रहा था. कैट अंडर द टेबल सो रही थी. द डॉग स्लीप इन द बार्न. बार्न यानी शेड फॉर एनिमल्स. And said the donkey, I sleep on the roof. वो roof के पास सो रहा था. And said the rooster, and so they remained in this house and often sang together. और वो फिर rooster भी सो रहा था. And वहाँ से robbers सभी चले गए. They went later to Tuntun town and even gave concert. फिर वहाँ पर क्या था? Tuntun town पर जा रहे थे और वहाँ पर concert था. उसने concert किया. Okay, you understand students? For this story, the Tuntun Town for Musician, part 1 and part 2. Okay, now next video mein activity 5 se explain karungi. Okay students, thank you.